नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बेहद खूबसूरत डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 3 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे 4-4 फंदे गिने तो लास्ट में 3 फंदा बचना चाहिए। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से, तो हम अपना दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और दूसरे कलर के ऊन से हम 3 फंदा सीधा बुनेंगे। 1, 2, 3 चौथे फंदे को स्लिप करेंगे। तो इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है, 3 फंदे को सीधा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है। 3 फंदा सीधा, चौथे फंदे को स्लिप करना है। इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में 3 फंदा बचेगा तो उसे हम सीधा बुनेंगे और रॉन्ग साइड से बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे। दूसरी लाइन रॉन्ग साइड बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे। बुने हुए फंदे स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे, स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करेंगे, बुने हुए फंदे को उल्टा। तीसरी लाइन और सामने से, तीसरी लाइन में हम अपने पहले लाइन को ही दोहराएंगे, यानी 3 फंदा हमें सीधा बुनना है और चौथे फंदे को स्लिप करना है। 3 फंदा सीधा और चौथे फंदे को स्लिप करना है। इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर देनी है। चौथी लाइन और रॉन्ग साइड, तो चौथी लाइन में हम अपने सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। बुने हुए फंदे को भी सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को भी सीधा बुनना है। पूरी लाइन हमें सीधा बुन लेनी है, सभी फंदे सीधे। पांचवी लाइन और सामने से अपने पहले कलर के ऊन से 1 फंदा सीधा बुनेंगे, नेक्स्ट फंदे को स्लिप करेंगे। अब 3 बुने हुए फंदे का बीच का फंदा हमें स्लिप कर लेना है, फिर नेक्स्ट 3 फंदा हमें सीधा बुनना है। देखिए, जो स्लिप किया था वो फंदा और उसके दोनों साइड वाले फंदे, इन 3 फंदों को हमें सीधा बुनना है। 3 फंदा सीधा बुन लिया, अब चौथे फंदे को स्लिप करना है। चौथा फंदा देखिए, इन 3 बुने हुए फंदे का बीच का फंदा है। 3 फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है। 3 फंदा सीधा और चौथा फंदा स्लिप करना है। इन्हीं 4 फंदों को दोहराते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब हम आ जाते हैं रॉन्ग साइड में और ये डिज़ाइन का छठा लाइन है। तो छठे लाइन में बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। बुने हुए फंदे को उल्टा बुनेंगे और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इसी तरह बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। हम फिर सामने की तरफ आ जाते हैं। तो सातवीं लाइन में हम अपने पांचवी लाइन को ही दोहराएंगे, यानी जो फंदा बुना गया है उसे वापस हम सीधा बुन लेंगे और जो फंदा स्लिप किया गया है उसे वापस स्लिप कर लेंगे। दो फंदों को छोड़कर इन 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 3 फंदा सीधा
और चौथा फंदा स्लिप है। बुना हुआ फंदा सीधा बुनना है और स्लिप किए हुए फंदे को स्लिप करना है। और आठवीं लाइन में सभी फंदों को सीधा बुनना है, बुने हुए फंदे को भी सीधा और स्लिप किए हुए फंदे को भी सीधा, सभी फंदों को हमें सीधा बुनना है। तो इन्हीं आठ लाइनों को हमें ऊपर ऊपर दोहराते जाना है। तो मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, डिज़ाइन बन के तैयार है। सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा। डिज़ाइन बेहद आसान और बेहद खूबसूरत है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, आशा है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।